हेलो एवरीवन, तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज में। तो आज हम बनाने वाले हैं गर्मा गर्म धुएंदार धुएं निकलते हुए पॉपकॉर्न, यानी कि गर्मा गर्म ताज़े ताज़े पॉपकॉर्न तैयार करने वाले हैं घर में। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जब आप देखोगे ना वीडियो, आपको लगेगा यार पहले पता होता तो इतना झंझट नहीं करना होता। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्या, मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, जैसे कभी बारिश का मौसम हो रहा है या थोड़ी सी ठंडी पड़ रही है, तो एक माहौल बन जाता है मूवी देखने का। ये मन करता है कि यार पॉपकॉर्न होते तो मज़ा आ जाता, तो उसे सोचना पड़ता है। तो अब सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जब भी मन करो तभी पॉपकॉर्न 6-7 मिनट में बना के तैयार करो घर पे। और ये हम बिल्कुल ऑयल फ्री बनाने वाले हैं। और जो तरीका मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना पॉपकॉर्न बनाने का, ये आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ये तरीका लेके आई हूँ, जिससे कि आप बिना टेंशन के ना, बिना झंझट के मज़े ले सकें पॉपकॉर्न का। ये ना सोचना पड़े यार तामझाम जुड़ जाएगा इसमें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी चलिए को पहले बनाना। जान लेते हैं कि आपको दाने कौन से लेने हैं, वरना सत्यानाश हो जाएगा आपकी पूरी रेसिपी का। तो ये वाले लेने हैं आपको दाने, जो पॉपकॉर्न के कॉर्न जो लेने हैं आपको, मक्की के दाने जो लेने हैं, ये छोटे वाले लेने हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों में जो सबसे छोटे वाला है आपको वो वाला दाना लेना है। ये थोड़ा गोल सा होता है, चपटा नहीं होता है ज़्यादा। और जो दूसरे हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, चपटे होते हैं, वो आपको नहीं लेने। तो ये वाला दिखा रही हूँ मैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यही आपको लेना है। अगर आप इससे अलग कोई और लेके आए ना, तो मतलब एक मन बना के जो आप दिल से आते हैं ना कि चलो यार आज तो इससे पॉपकॉर्न बन जाएगा, वो बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो देखिए ये वाला जो दाना होता है, ये नॉर्मली आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, पर ये वाला नहीं लेना है। इसमें सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीसरे वाला है जो है, ये भी उसी तरीके का है, ख़राब वाला, मतलब ख़राब नहीं, मतलब इससे भी नहीं बनता है। देख रहे हैं ये, इसका कलर ऑरेंज सा है, जो इधर वाला है, सबसे इधर वाला है, ये वाला लेना है, जो छोटू सा होता है और सबका साइज़ भी अच्छा होता है। ये चपटा वाला नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि जब हम कढ़ाई में इसको बनाते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि कढ़ाई में ही जो भुट्टे हैं, सब लोग कढ़ाई में ही बनाते हैं। तो कढ़ाई में किन किन चीज़ों की दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस वीडियो में। अभी आपको लग रहा होगा यार क्या दिक्कत है, बड़े आराम से तो हो रहा है, ये सन्नाटा है। अभी जो कहते हैं ना कि हंगामा होने से पहले वाला सन्नाटा, ये मैंने ढाल तैयार कर लिया युद्ध लड़ने के लिए। नहीं, आपको गोलियां नहीं चलानी हैं, गोलियां दूसरी तरफ से आने वाली हैं। और ये आई गोली। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप जब भुट्टा बनाते हैं उसको आपको लगातार चलाना होता है। जो भुट्टे वाले अंकल होते हैं ना बाजार में, उनकी बड़ी सी कढ़ाई होती है और उसमें वो क्या कहते हैं, छलनी वाले ऊपर ढकने के लिए रखते हैं, और एक पतली सी डंडी वाली एक उनके पास चलाने के लिए होती है। तो उन्हें क्या होता है कि इतनी दिक्कत नहीं होती है। पर ध्यान रखिएगा नमक उनका भी उतना ही बिखरता है, आपने देखा अभी कितना नमक बाहर आता है इससे। तो आप कहेंगे कि तो उसमें क्या दिक्कत है, इसको ढक के और तब बना लो। ये देखिए मैंने ढक दिया और थोड़ा सा खोला हुआ है मैंने, और मैं इसको लगातार चला रही हूँ। अगर हम इसको लगातार नहीं चलाएंगे तो जो भुट्टे के दाने हैं वो जल जाएंगे और वो फूलेंगे भी नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और देखिए अगर मैं थोड़ा सा और ज़्यादा खोलती हूँ तो पूरा नमक बाहर आ रहा है, पूरा भुट्टा बाहर आ रहा है। और जो नमक है यार वो गरम गरम होता है, और जब लगता है ना भेंट बज जाती है। बीच में क्या हुआ ना, मुझे छोड़ के भागना पड़ा इसको, इतनी गरम गरम मेरे ऊपर ये जो नमक है ना वो आके लगा। तो ये देखिए अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कढ़ाई में क्या होता है ना, ज़्यादा सही से आप चला नहीं पाते उसको। तो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से, छोटे छोटे से दाने नीचे आपको दिखाई देंगे भुट्टे के, ये फूले नहीं है। क्यों नहीं फूले, क्योंकि हम इसको सही से चला ही नहीं पाए। तो ये इसमें मेन प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ी। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, कि जो हमारे देखिए कितना सारा नमक आता है, क्योंकि जब भी ये फूल फूटते हैं तो नमक बहुत ज़्यादा बिखरता है। तो जितना नमक आपको किचन में तहस नहस दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा नमक मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भारी गोलाबारी हो रही हो, सुनिए ज़रा। तो देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं क्या हालत हो रही है यहाँ पे। तो पूरा नमक और पूरे जो कॉर्नस हैं, पॉपकॉर्न है, वो बाहर निकल निकल के आ रहे हैं। और ये हालत थी किचन की पहले, बनाने से पहले, और अब ये आलम हो गया है। तो सोचिए इसको 30 मिनट लगेगी साफ करने में। तो चलिए गाइज अब मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं ना शुद्ध सज्जन तरीका बताती हूँ, तरीका बताती हूँ इसको बनाने का। इतना आसान तरीका है, आपको लगेगा यार इसमें तो मज़ा ही आ गया, कोई झंझट ही नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है सफ़ेद नमक, और ये लिया है मैंने आधा कप, और वज़न से है ये 150 ग्राम। वज़न इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, अगर आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा नमक लेने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको फैला लेंगे तो इतना सा होना चाहिए, जो तली है ना
कुकर की जो तली है उससे इतना थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, गैस ऑन कर देनी है, गैस चला देनी है, और जो आपकी फ्लेम होनी चाहिए, जो आपकी आंच होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मीडियम, यानी कि मध्यम आंच पे हम नमक को गर्म करने वाले हैं। और बीच बीच में आप इसको चलाते रहिए, ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कितनी देर इसको गर्म करना है, आपको सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको गर्म करना है। ये वो ही वाला नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या नमक में नहीं खाना चाहते हैं पॉपकॉर्न, तो आप क्या कर सकते हैं, सैंड में बना सकते हैं, रेत होती है ना, आप उसमें भी इनको बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं उसमें भी। तो अब मैंने क्या किया है, जो कुकर का जो ढक्कन है उसकी सीटी भी निकाल दी और उसकी रबर भी निकाल दी। क्यों निकाल दी, क्योंकि उससे उसके अंदर भाप नहीं बनेगी जब हम इसको बंद करेंगे ना। तो अगर आप मेरी और भी ऐसी बढ़िया सी बेहतरीन रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना है और फिर इस घंटी को दबाना, ये बिल्कुल फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपके पास तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही बटन दबा के सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो नमक गर्म हो चुका है, 3 मिनट हो गई है इसको गर्म होते हुए। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल देंगे भुट्टे के दाने, और ये मैंने लिए हैं 1/4 कप, वजन से ये हैं 60 ग्राम। तो भाई मेरा तो छोटू सा ये बेचारा कुकर है, अगर आपका कुकर बड़ा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको पता चल ही जाएगा जब आप एक बार उसमें बना के देखेंगे ना, तो जितने वो फूल के आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हम लगातार इसको चलाएंगे और इनको फूटने में लगभग 1.5 मिनट लग जाएगा, तो इसको लगातार चलाएंगे जिससे ये नीचे ना लगे, बिल्कुल भी ये जल ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जितनी अच्छी तरीके से आप इसको चलाएंगे उतने अच्छे आपके दाने फूल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और अगर आप जो ये नमक है इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे और उसमें आप भुट्टे को बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा देर तक इनको भून ही नहीं पाएंगे, वो फूट जाएंगे, और फूटने के बाद जब आप उनको खाएंगे, तो जब आप उनको खाएंगे तो दांतों के बीच में चिपकेंगे। यही कारण होता है, यही रीज़न होता है कि वो दांतों के बीच में चिपकते हैं, इसलिए आपको ये 3 मिनट गर्म करके और इसको इस तरीके से चलाना ज़रूरी है। तो ये देखिए गाइस, 1.5 मिनट हो गया है लगभग और ये फूटना शुरू हो गया है। तो जब तक ये आपके ऊपर कहते हैं ना आक्रमण ना करना शुरू कर दें, बाहर निकल के भागना ना शुरू कर दें, तब तक आप इनको लगातार चलाते रहिए। और ये, और अब बस बंद बंद कर दो भाई, बंद कर दो। हाँ ये बंद कर दिया, हो गया इनका काम। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, देखिए इस तरीके से इसको हिलाया, तो इससे क्या हुआ, जो अंदर के कॉर्न है ना नीचे वाले, हम चला तो सकते नहीं है इसको, तो इस तरीके से इसको हिलाना है, किस तरीके से, ऐसे पकड़ के ऊपर की साइड, जैसे कि हम कभी आपने देखा हो कि चावल साफ़ करते हैं ना जिस तरीके से, उस तरीके से आपको उसको ऊपर से झटके देने हैं, जिससे कि जो नीचे नमक में दबे हुए कॉर्न हों वो थोड़ा उल्टा पलटा हो जाए, यानी कि हमें चलाने की ज़रूरत ना पड़े और वो अंदर से ना जले। तो आप क्या करें कि हर 10 सेकेंड बाद अपने कुकर को पकड़ें और इस तरीके से झटके से उसको हिलाएं, जिससे कि अच्छे से कॉर्न है ना बढ़िया बेहतरीन तैयार हो जाएं। तो आप आवाज़ सुन ही सकते हैं, तो यहाँ पे सुनिए आवाज़, तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ अब बहुत कम हो गई है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई कॉर्न बन चुके हैं हमारे। तो उस टाइम पे आप गैस बंद कर दें, और गैस बंद करने के बाद भी एक दो बार आप कुकर को हिलाएं, जिससे कि जो थोड़ा बहुत बच गया हो फूटना वो भी फूट के तैयार हो जाए। तो बस आपके कॉर्न बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं हम इनको, इनकी क्या हालचाल है। ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव दिस, ये देखिए नमक इसके ऊपर है, पूरा ढक्कन के ऊपर, कितने बेहतरीन बने हैं, है ना मेरे बेचारा छोटू से, में इतने ही आते हैं तो इसलिए कम ही डाले थे मैंने। तो अब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नमक लगा हुआ होता है तो आप इसको छान लें, या तो जो जिसमें चावल वगैरह धोते हैं ना, जाली वाली जो होती है छलनी, उसमें आप इसको छान लें, किसी भी छन्नी में, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप छान सकते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं रहता है, पर फिर भी ज़्यादा नमक खा के करना क्या है, अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नमक खाना। तो देखिए गाइस, कितने सारे फायदे हो गए हैं एक ही चीज़ में, एक ट्रिक बताने में, आप जले नहीं नमक से, नमक बाहर निकल के नहीं भागा, आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी पॉपकॉर्न कूद कर नहीं भागा, और सारे के सारे पॉपकॉर्न आपके फूल के बढ़िया तैयार हुए हैं, इसमें नमक भी कम लगता है और खतरों का खिलाड़ी भी नहीं बनना पड़ा, है ना, बहुत सारे फायदे। तो आप इस तरीके की करछी से भी नमक को छान सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़े वाली जाली नहीं है छानने के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, ये भी उतना ही अच्छा काम कर देती है। तो अब यहाँ पे देखिए एक मैजिक, इतना बेहतरीन चीज़ है ना ये, एक भी दाना इसमें खराब नहीं हुआ है। आप नीचे देखिए नमक में सारे दाने बिल्कुल फूल के तैयार हुए, एक भी खराब नहीं हुआ है।
तो आप में से कुछ लोग कहेंगे यार ये तो हम काम कढ़ाई में भी कर सकते हैं, कढ़ाई को उछाल लो, कढ़ाई में भी ऐसे ही हो जाएगा। ये काम बिल्कुल मत करना। अगर कढ़ाई उछल गई और आपके ऊपर गिर गई ना, तो आप जरूर उछल जाओगे, ये तो पक्की बात है। तो ये मत करना। तो देखिए क्या बने हैं पॉपकॉर्न, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं ये। बहुत क्रिस्पी बने हैं, थोड़े से खा के भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया बने हैं गाइस, बिल्कुल भी दांतों में नहीं चिपक रहे हैं क्योंकि हमने इनको बहुत बढ़िया तरीके से बनाया है। तो एंजॉय कीजिए ये यमी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।